मिला रहा है। भाई बहुत गंदा स्मेल आ रहा है यहाँ तक, ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है ना, कुछ जलने का स्मेल आ रहा है इसलिए। हाँ देखो ये देखो पिस्टन, ये देखो पिस्टन देखो, पूरा हाल बुरा हाल हो गया। अच्छे से ठीक करना, ऑल इंडिया राइड कर रही है। देखा भाई नागालैंड में फंसा हुआ इंजन के साथ। हवन की जगह भी लगे बात जो जहर हाथ नहीं आता जट नहीं फरनेंदे इफ दे कट क्या सुन। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ इस ढाबे में जरूर रुकता हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ढाबा, और डॉगी के लिए स्पेशल होटल रूम लिया है तीन तीन बार एसी वाला। ये भी खा रही है, मैं भी खा रहा हूँ, हम दोनों साथ में खा रहे हैं। भाई साहब मैं जब से इससे ट्रैवल कर रहा हूँ ना, पहला दिन काफ़ी थोड़ा अनोइंग सा था, मतलब बात वगैरह नहीं मान रही थी। उसके बाद ना हम दोनों के बीच इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ पीछे पीछे आता है ना, इसको मैं बांध के लेके जा रहा हूँ, ऐसे फ्री खुला छोड़ा है, और मैं जो बोलता हूँ मानती है। मतलब यार इतनी अंडरस्टैंडिंग पहली बार देखा मैंने, और मज़ा आ गया। तो फिलहाल तो यहाँ पर खाना खा रहा हूँ और साथ में इसको भी खिला रहा हूँ। भाई इसके नौटंकी देख लो, बैठने के लिए जगह नहीं मिला, मेरी छाती में बैठा हुआ है। चलो सबको हाय बोल दो, हाय बोलो सबको। हाँ बोलो, अभी मैंने खाना खाया है, अब थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे, बोलो। चलो सो जा सो जा। तो देखो ऐसे सोती है ये, चलो सो जा। और दिस इज माई थर्ड टाइम, और खाना बहुत अच्छे बनाते हैं यार यहाँ पे, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, आई थिंक आधा घंटा, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। और सिलीगुड़ी यहाँ से 200 किलोमीटर है भाई, और मैं पहुँच जाऊँगा। और तेरा इसका भी आखिरी डेस्टिनेशन वहीं तक है, सिलीगुड़ी तक। उसके बाद आगे फिर मैं अकेले कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि इसको मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन गर्मी में इसके ये ट्रैवल नहीं कर पाती है। तभी तो मैं रात रात में ट्रैवल कर रहा हूँ, और दिन में इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और इसके बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे हैं, और ज़्यादा इससे ट्रैवल करूँगा तो बीमार हो जाएगी है, और मर भी सकती है। तो आई डोंट थिंक सो इसके साथ आगे करना चाहिए, है ना। और वैसे भी 1800 किलोमीटर कर ही लिया है इसने, जो कि बहुत बड़ी बात है इसके लिए, है ना। और शी इज़ वेरी लकी, और आई एम ऑल्सो वेरी लकी, इतना अच्छा प्यारा सा डॉगी मिला मेरे को, और मेरी हर बात मानती है ये। मज़ा आता है इसके साथ, मैं कहीं भी जाऊँ ना ढूंढते ढूंढते पीछे पीछे आ जाती है। अभी मैं फ़ोन चार्ज करने के लिए गया, मेरे को दिखानी है, आई थिंक इसको दिखानी मैं, तो मेरे पीछे पीछे पता नहीं सूंघती हुई आ गई। तो भाई अभी हम हैं बिहार में, तो बिहारी में कुछ बोला था, कुछ बोल रहे हैं हम। तो अभी चाय पीवाता नहीं तो वीडियो बनवाता नहीं है। सो जब भी मैं कोई भी स्टेट में जाऊंगा तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वहां के लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बोलूं, और इससे क्या होता है कि कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी वीडियो बनवाता नहीं, और यहाँ पे जुगनू क्या बोलते हैं, सो रहा है, क्या बोलेंगे, सो रहा है। हाँ सुतत्वानी, इधर जुगनू सुतत्वानी, तो हम बिहार में है तो जुगनू सुतत्वानी। तो पुलिस वाले पीछे इनका कोई नारा वारा चल रहा है, तो हम भी शामिल हो गए। तो
ਚੱਟਣੀ ਫੜਨੇ ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਟ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦਾ ਬੋਲਾ ਡਿੰਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਸਿਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਠ ਕੀ ਫਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇ ਪਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਠ ਕੀ ਫਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇ ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਗੁੰਝੇ ਲਾਲ ਕਾਰਨੇ ਨਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਆ ਹੈ तो गैस अभी मैं ये पिपरा कोटी में था, तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था मैं। तो अपना स्कूटर यहाँ पे, भाई साहब गर्मी बहुत है तो अपना जुगनू यहाँ पे है, कब से सोई पड़ी है। ठीक है, ये देखो सो गई। ਰੋਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾਨੀ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਦਾਰਤਾਨੀ ਟੈਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੱਡੀ ਕਟਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ ਕਟਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ ਕਟਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਸਾਖੀਆਂ ਮਜੀ ਵਾਲੀ ਅੜ ਬੱਲਾ ਲੇਵਨੀ ਪੌਪ ਕਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜੈਵਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਯਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦਾਂ ਹੈ ਲਾ ਮਸਕੀ ਪਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈਵਨੀ ਕਿਲਟ ਲੋਂਜ ਕੁੜੇ ਆਂਟੀ ਕੋ ਹੈਲੋ ਬੋਲ ਦੋ ਜਰ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬੋਲ ਦੋ ਸਭ ਕੋ ਬਾਈ ਬਾਈ ਬੋਲੋ ਸਭ ਕੋ ਬਾਈ तो यहाँ पे मैंने इसको पिला दिया पानी, अब चलते हैं आगे। ठीक है, तुम भी आ रहे हो वीडियो में। वो आंटी को हेलो बोल दो, आंटी आंटी को हेलो बोल दो, आंटी को हेलो बोल दो। नहीं काटती है, चलो फिर चलें। आगे पेट्रोल पंप है, चलो उतना पेट्रोल खत्म हो गया। अभी हम पेट्रोल डलवाएंगे, 170 किलोमीटर रह गया। तो गाइस वन बिग इन्फॉर्मेशन, मेरे को लगता है मेरे अप्रैल का पिस्टन गया, और कल मेरे को पता चला बिहार में आते आते भाई कुछ गड़बड़ है, स्पीड नहीं पकड़ रहा है। तो मैंने जस्ट चेक किया इंजन ऑयल बाद में, भाई साहब एक बूंद भी इंजन ऑयल नहीं था इंजन में। तो मैंने वहाँ पे नया ढलवाया, तो बिहार से यहाँ तक मेरे को लगा जहाँ पे मैं कल था लोकेशन में, वहाँ से 600 किलोमीटर सिलीगुड़ी था और 600 किलोमीटर चलाया, और आज मैंने यहाँ पे गैरेज में आकर चेक किया, फिर भी एक बूंद नहीं है। मतलब जो मैंने पहले, अच्छा हुआ कि मेरे को पहले पता लग गया ऑल इंडिया राइड से पहले कि भाई पिस्टन जाने वाला है, और चला भी गया होगा मेरे को लगता है, और इंजन ऑयल सूख रहा है, मतलब पिस्टन गया। क्योंकि इंजन ऑयल जब इंजन ऑयल सूखता है ना तो इसका मतलब पिस्टन ख़राब है। तो चलिए फिर, ऑल इंडिया राइड से पहले मेरे को पता चला, बीच में मैं फंसा नहीं और काफ़ी स्लो आया गया। तो आप बोलोगे नहीं, मैं चार पाँच दिन लगे मेरे को सिलीगुड़ी आने में, बेसिकली मेरे को लगता नहीं है, मैं 2-3 दिन में, मतलब तीसरा दिन में सिलीगुड़ी पहुँच जाता हूँ। 1800 किलोमीटर 3 दिन में करता हूँ मैं। तो अभी देखते हैं इंजन खोल रहे हैं और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़। इट्स ओके, और मैंने अप्रैलिया पहले भी काफ़ी चला दिया था, मतलब 80-90 हज़ार तो पहले चला लिया था मैंने, और ये होना भी था। चलो इट्स ओके, तो नया डलवाते हैं, उसके बाद ऑल इंडिया राइड कंटिन्यू करते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आई एम ऑलवेज इन चिल, बल्ले बल्ले कर देंगे ऑल इंडिया राइड में सबको। ठीक है, और एंड तक वीडियो देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक के मारना, अपने बाइक का थोड़ा साथ दो, आप मेरे को साथ दो, मतलब थोड़ा साथ चाहिए आप लोगों का, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और क्रिएटिविटी अपने वीडियो में लाऊँ ऑल इंडिया राइड में। वो दार्जिलिंग पत्र कहाँ पर बोल रहे थे, मेरी जान। अभी भैया खोल रहा है, मतलब मेरा दोस्त ही समझ लो, पहले भी आया हो यहाँ पे, तो चेक करेंगे क्या खराबी है इसमें।
मुझे तो लगता है भाई पिस्टन ही ख़राब है, अगर इंजन खोल ही लिया है तो मैं पिस्टल भी चेंज करवा ही लूँगा, वैसे पिस्टन ही ख़राब है ना, क्या बोलते हो? नागालैंड में इंजन के साथ फंसा हुआ है भाई, और इंजन सिर पे लेकर रख के ले आ रहा हूँ मैं। जैसे स्पीति में कांड हुआ था मेरा, वहाँ तो ठीक करवा लिया, उसमें इंजन का कोई काम नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो उसको कैसे टैप बोलते ना, टैप ठीक है भाई, टैप टाइमिंग चेंज ये भी नया डलवाया था वैसे, मैं टाइमिंग चेंज भी नया डलवाया था, फिर भी मेरा फ्री हो रहा है ना, पूरा फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, के हाथ में लग गया इंजन एकदम चपाक, बाकी भगवान के भरोसे हैं, ठीक है, जय माता दी, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, बल्ले बल्ले करवा दिए इंजन, शुक्र मना सिलगुड़ी पहुंच गया, अगर मैं कुत्ते के साथ फंस जाता बीच रास्ते में इंजन सीज हो जाता, मैं कुत्ते को उठाओ इंजन को उठाओ मैं पागल हो जाता भाई साहब। चलो मैं धीरे धीरे आप लोग को बताता रहेंगे क्या क्या खराबी है, बाकी तो मैं बैठ ही गया हूँ देखो अपने इंजन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दो, दिखाता हूँ मैं, ये देखो पिस्टन का हाथ देखो कैसा हो गया, यहाँ देखो कैसा लग रहा है, कुछ जल रहा है ना, कुछ जलने का स्मेल आ रहा है इसलिए, हाँ देखो ये देखो पिस्टन देखो पूरा हाल बुरा हाल हो गया, पूरा गिर दिया देखा पिस्टन एकदम, सी जी समझ लो है ना, सी जी है, मोबिल डाल के आया था इसलिए बच गया, हाँ मोबिल नहीं चाहता करना, मतलब देखो यार पूरा जल गया है, मतलब देखो ये देखो जैसे लकड़ी नहीं काला होता है, अच्छा ये देखो गाइस पूरा घिस गया है, ये देखो मतलब यहाँ पे महसूस हो रहा है, देखो वो होता ना एक चीज, और नीचे भी है ये देखो, इस साइड प्लेन है, एक साइड पूरा खा गया पूरा, मतलब बच गया, मैं रास्ते में फंस जाता, दो साइड होने से एकदम सीज, एक साइड में सीज हो गया, अभी चेंज भी करना, देखो हेड भी ख़राब हो गया ऊपर वाला, चलो कोई नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बात होती रहती है, चलो कोई बात नहीं, है तो इंजन है चेंज हो जाएगा, पिस्टन ही तो है, एक थंबनेल लेते हैं, मिला रहे।